नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका स्वागत है। अमेजन हेड के अग्रिम जमानत पर कल फैसला आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही अश्लीलता पर नियंत्रण जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि अपर्णा पुरोहित को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही अमेजन प्राइम पे तांडव सीरीज रिलीज हुई थी। सीरीज के कुछ सीन पे विवाद हुआ था। अपना सहित 6 सह अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इन पे आरोप लगाया गया था कि उनकी सीरीज में आपत्तिजनक सामग्री है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसमें 2 कलाकारों को शराब का सेवन करते और गालियां देते हुए डायल 100 पे पुलिस वाहन की सवारी करते हुए दिखाया गया है और ये भी कहा गया है कि इसमें सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाने के इरादे से हिंदू देवी देवताओं का चित्रण सही अंदाज से नहीं किया गया। फिल्म में प्रधानमंत्री के पद को इस तरह से चित्रित किया गया है जिससे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही जाति और समुदाय से संबंधित बातें भी जानबूझकर इस तरह से की गई हैं, जैसे कि इस फिल्म में उनकी जरूरत भी नहीं है और उनको इसमें भरने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सीन्स की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको यहाँ एज ए फिलर यूज किया गया है। प्रधानमंत्री का पद छोड़िए, जो कॉलेज के डीन है उनका करेक्टर भी अलग तरीके से दिखाया है। इन सभी मुद्दों के चलते इस मूवी के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी बीच केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और मैक्स प्लेयर जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया की निगरानी वाले नियमों को कड़ा कर दिया है। स्ट्रीमिंग कंपनियों को लगातार आ रहे आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत के बाद हटाना अभी कंपल्सरी कर दिया गया है और सबसे खास बात ये है कि जिस चीज से इतना विवाद हो रहा है उस कंटेंट को कहीं पर दिखाया जा रहा है तो कहीं पर उसको हटा दिया गया है। ये सबसे गंभीर बात है और इस पूरे मामले पे कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाला है। कल इस पे सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल एमबी स्पीक्स को और अपनी कीमती राय मुझे जरूर दीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।